हेलो गाइस, कैसे हो? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन बनाकर दिखाने वाला हूँ, बहुत मज़ेदार तरीके से। देखिए, ये जो स्पॉट वेल्डिंग मशीन है बहुत मज़ेदार तरीके से काम करता है, ये आप देख सकते हो इस वीडियो में। तो उसको मैंने कैसे बनाया, इस वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स, आपको पता चल जाएगा मैंने उसको कैसे बनाया और आपका बहुत काम आएगा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना। और ये जो स्पॉट वेल्डिंग मशीन है, ये सिर्फ 12 वोल्ट से चलने वाला है। 12 वोल्ट की सप्लाई आप देकर उसको चला सकते हो बड़े ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको डीसी टू डीसी एक बूस्टर सर्किट को लेना होगा, जो बहुत कम प्राइस में मार्केट में मिल जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो डीसी टू डीसी बूस्टर है उसका मॉडल नंबर है XL6009U1। और उसका कनेक्शन बड़ा ही सिंपल है। उसका इनपुट में आप देख सकते हो इन लिखा हुआ है, इनपुट पॉजिटिव और निगेटिव लिखा हुआ है। आउटपुट में आपको आउटपुट पॉजिटिव और निगेटिव लिखा हुआ रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा कैसा कनेक्शन करना है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपका ज़रूर काम आएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले कनेक्शन को कर लेते हैं। आउटपुट का मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, कैसे कनेक्शन करना है और क्या चीज़ों की ज़रूरत होगा मैं ये भी बता दूंगा वीडियो में। वो कौन सा चीज़ है मैं बता ही देता हूँ फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा माइक्रोफेरेट वाला एक कैपेसिटर लेने वाला हूँ, जो कैपेसिटर ये आप देख सकते हो। इसके साइड पर एक वाइट पट्टी है, ये जो वाइट पट्टी वाला साइड है निगेटिव है और दूसरा जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। और ये 4700 माइक्रोफेरेट का है, मतलब 4700 UF और 35 वोल्ट। आप 50 वोल्ट का लोगे ना तो और अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पास 50 वोल्ट का था नहीं भाई। ये देखिए, ये जो कैपेसिटर है साइज़ में बहुत बड़ा है, ये आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन कर लेते हैं। ये जो कैपेसिटर है उसका निगेटिव टर्मिनल जो सर्किट बोर्ड है, सर्किट बोर्ड का आउटपुट जो निगेटिव टर्मिनल है वहाँ पर लगा लेना है, और पॉजिटिव टर्मिनल सर्किट बोर्ड का आउटपुट पॉजिटिव पर लगा लेना है। और दो वायर को लेकर यह जो डीसी टू डीसी बूस्टर सर्किट है उसका आउटपुट पॉजिटिव और निगेटिव पे लगा लेना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आपको लगा लेना है। उसके बाद और दो वायर ले लेना है, और एक वायर को निगेटिव पे लगा लेना है और एक वायर को पॉजिटिव पे लगा लेना है। ये आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार। लगाने के बाद क्या करना है, जो सर्किट है ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, अभी सप्लाई देंगे। निगेटिव पे निगेटिव लगा लेना है बैटरी का, और पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा लेना है। उसके बाद आउटपुट का दोनों तार को शॉर्ट करवाया, तो देखिए बहुत ज़बरदस्त स्पार्क निकल रहा है। तो अभी चलिए आउटपुट का जो वोल्टेज है ना वो कितना निकल रहा है देख लेते हैं। तो मैंने मल्टीमीटर को वोल्टेज पर रख दिया, डीसी वोल्टेज है। तो अभी क्या करते हैं, आउटपुट का वोल्टेज को टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये देखिए, ये जो दो टर्मिनल है ना, ये दोनों टर्मिनल को जब मैंने मल्टीमीटर के टर्मिनल के साथ लगाया 38 वोल्ट दिखा रहा है। तो हमारा जो कैपेसिटर है ना ये 35 वोल्ट का है, ऐसा रहेगा तो हमारा कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, क्योंकि भाई देखिए मैक्सिमम 35 वोल्ट है हमारा कैपेसिटर ले सकता है। ये जो डीसी टू डीसी बूस्टर है इस पर एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, तो उसके ऊपर एक स्क्रू जैसा है, मतलब क्या करना है उसको घुमाना है, तो उसको घुमा के आउटपुट का वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हो। फ्रेंड्स, और एक बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास जो कैपेसिटर है वो 35 वोल्ट का है और आप बूस्ट करके 50 वोल्ट दे देते हो, तो आपका ये जो कैपेसिटर है ये ब्लास्ट हो सकता है और आपके लिए बहुत बड़ा एक खतरा हो सकता है। इसके लिए आपके पास अगर जितने भी वोल्ट का कैपेसिटर होगा उससे थोड़ा सा कम रखिएगा वोल्टेज को। फ्रेंड्स, अगर आपके पास 50 वोल्ट का कैपेसिटर रहेगा ना, तो 50 वोल्ट का कैपेसिटर का इस्तेमाल कीजिएगा, और माइक्रोफेरेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो आपका ये स्पॉट वेल्डिंग काम नहीं करेगा। तो देखिए, ये मल्टीमीटर से मैंने तो दिखाया, तो इसका जो इनपुट है ये आप देख सकते हो 12.93 वोल्ट, मतलब लगभग 13 वोल्ट दिखा रहा है। और आउटपुट में कितना दिखा रहा है देखिए, 35.28 वोल्ट दिखा रहा है ऐसे, और 35.26 वोल्ट ऐसा समथिंग दिखा रहा है। और इनपुट में कितना वोल्टेज दिया है आपको तो दिख ही रहा होगा। अगर आपको ये मल्टीमीटर पे शौक हो रहा है कि ये मल्टीमीटर तो मेरे पास नहीं है, तो हमारे पास ऐसा मल्टीमीटर है, ऐसा मल्टीमीटर तो और किसी के पास होता ही है, इसलिए मैं उससे भी फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 13 वोल्ट दिखा रहा है, और आउटपुट में कितना दिखा रहा है ये देखिए 34.9। तो फ्रेंड्स, ये आप साफ साफ देख सकते हो कितना बूस्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपने तो देख लिया इस मल्टीमीटर से भी कैसा कैसा हमारा इनपुट हो रहा है और कैसा आउटपुट हो रहा है। तो ये जो दो टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल आउटपुट का है,
तो मैं ये सीधा दोनों को शॉर्ट करवा के देख लेता हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त स्पार्क हो रहा है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आपने देखा है ये किस प्रकार काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं एक कॉइन सेल को ले लेता हूँ और आपके दिखाता हूँ कैसे काम करता है। ये लिथियम बैटरी है 3 वोल्ट का, तो उसके साथ मैं ट्राई करके आप लोगों को दिखाऊंगा। लिथियम जो दूसरा वाला लंबी वाला जो सेल आता है ना, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो ये देखिए, तो एक ब्लेड को मैंने रखा हुआ पर और अभी स्पॉट वेल्डिंग में करके आप लोगों को बता देता हूँ किस प्रकार हो रहा है। ये आपने देखा बहुत ज़बरदस्त एक स्पार्क हुआ और ये देखिए ये वेल्ड हो चुका है, बढ़िया तरीके से हुआ है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखिए बहुत बहुत मज़ेदार तरीके से हुआ है फ्रेंड्स। तो दूसरी बार फिर से किया तो ये आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो बहुत मज़ेदार तरीके से काम कर रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक लिथियम सेल है, उसके पीछे निकल स्ट्रिप लगा हुआ है। तो निकल स्ट्रिप से ट्राई करके मैंने ब्लेड से ट्राई करके आप लोगों को दिखाया था। तो अभी निकल स्ट्रिप से मैं ट्राई करके मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे होता है कि नहीं। ये देखिए मैंने निकल स्ट्रिप से मैंने जब ट्राई किया ना, ये देखिए मेरा वायर ही चिपक गया, मतलब जिस वायर से मैं कर रहा था ना ये वायर। ये देखिए ये जो हमारा जो बैटरी है ना, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब स्पॉट वेल्डिंग हो चुका है निकल स्ट्रिप के साथ। देखिए फ्रेंड्स बहुत मज़ेदार तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए मैंने सीधा निकल स्ट्रिप को मैंने ऐसा किया, ये देखिए वायर चिपक जा रहा था इसलिए मैंने ऐसा किया। ये देखिए निकल स्ट्रिप ही सीधा चिपक गया बैटरी के साथ। ये देखिए फिर से मैं दोबारा फिर से आपको करके दिखाऊंगा। ये देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए एक वायर को मैंने निकल स्ट्रिप के साथ लगाया और दूसरे वायर को सीधा बैटरी के साथ लगाया। ये देखिए तो ये देखिए वेल्डिंग हो चुका है। ये देखिए कितने मज़ेदार तरीके से वेल्डिंग हो चुका है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।